आतंकियों ने गोलियों से मार डाला। उसके बाद मेरी राय ये बहुत साफ है कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमला कर रहे हैं, अब वक्त है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का, यानी उनको ख़त्म कर देने का। 78% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 22% असहमत हैं। लगातार मिस्ड कॉल्स का ये नंबर खुला हुआ है 7823944001 सहमत के लिए और 002 असहमत के लिए। इस बुलेटिन के लास्ट में नतीजे भी हम आपको जरूर दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कश्मीर से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब लखीमपुर मामले में यूपी पुलिस आखिरकार आज कुछ एक्शन में नजर आई। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पूछताछ का अब नोटिस भेज दिया है। इस बीच पुलिस ने घटना को लेकर आज कुछ और जानकारियां भी शेयर की हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त थार गाड़ी, जिसका विजुअल है लोगों को कुचलते हुए, वह हरिओम नाम का एक शख्स चला रहा था। ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये उस नोटिस की है जो उनके घर पर चस्पा किया गया, और ये वो विजुअल है जब लोगों को कुचला गया, थार गाड़ी से कुचला जा रहा है। विजुअल रिपीट में फिर चलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। और इस गाड़ी को हरिओम नाम का शख्स चला रहा था। इस गाड़ी में बगल वाली सीट पर, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जो शख्स था, उसका नाम सुमित जायसवाल है, जिसका इंटरव्यू हम 2 दिन पहले आपको दिखा चुके हैं। खुद ही उसने माना कि मैं वहां से भागा था। पीछे की सीट पर 3 लोग थे, वो कौन थे, उनके नाम का आज खुलासा यूपी पुलिस ने किया है। श्याम सुंदर, लवकुश और आशीष पांडे। ये वीडियो देखिए सुमित जायसवाल का, जब ये थार रुकी है आगे जाके, और ये शख्स जो भाग रहा है ये सुमित जायसवाल है। ये आगे की सीट पर बैठा था, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर। गाड़ी हरिओम चला रहा था, सुमित जायसवाल बगल में था, और पीछे की सीट पर 3 लोग थे, लवकुश, आशीष पांडे और श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को भीड़ ने पकड़कर मार दिया, जैसा कि इल्जाम है। लवकुश और आशीष पांडे से अभी यूपी पुलिस की विशेष टीम पूछताछ कर रही है। तो ये तमाम जानकारी जो मैंने आपको बताई, उसी पूछताछ के आधार पर बताई। ABP News आपको रखे आगे।